हम क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर डेसिमल एक्सपेंशन दशमलव प्रसार के बारे में बात कर रहे थे हमने तीसरी एक्सरसाइज जो थी उसकी उसके चार क्वेश्चन बताए थे कुछ नाम मैं रिपीट कर दूं हमने कहा था कि जैसे आप कहीं डेसिमल में लिखते हैं दशमलव में लिखते हैं कोई नंबर और भाग करने के बाद डिवाइड करने के बाद नंबर कितना आता है फाइनल नंबर आ जाता है यानी अब आगे पूरा नहीं है उसका शेषफल जीरो हो गया है इसको हमने कहा था टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं शांत दशमलव कहते हैं क्या नाम इसका था नाम याद कर लीजिएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते थे इसको याद करिए शांत दशमलव कहते थे शांत दशमलव कहते थे इसके बाद अगर मान लिया कि नंबर 2.52525252 लगातार ऐसा आता जाए अगर ऐसा आता जाए तो इसको कहते थे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग अनवसानी आवर्ती दशमलव और अगर मान लिया टू पॉइंट फाइव जीरो जीरो थ्री ऐसे कोई पता नहीं क्या नंबर आए लेकिन कभी स... तो ये अनवसानी है मतलब दशमल खत्म नहीं हो रहा दशमलव शांत नहीं हो रहा और अनावर्ती है तो तीन बातें बताई थी हमने उनके नाम बताए थे और चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे डिस्कस तो पूरी एक्सरसाइज करना चाहते थे लेकिन हमको मालूम है कि बहुत ज़्यादा मिनट देखने की स्टूडेंट की आज की डेट आज के समय के जो स्टूडेंट हैं उनकी आदत नहीं है हम लोग तो बहुत दो दो घंटे लगातार आप पढ़ने के लिए कर दो तो बैठ जाएंगे सिर्फ चार क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज हम पाँच क्वेश्चन के बाद में नौ क्वेश्चन इसके हैं उसके बारे में बात करने जा रहे हैं देखिए ध्यान से एक्सरसाइज वन पॉइंट थ्री पहला वीडियो हम इसके डिस्क्रिप्शन में दे देंगे उसका लिंक दे देंगे वैसे पढ़ा भी हुआ है अगर आप जब पहुंचोगे हमारे चैनल पे तो मिल जाएगा लेकिन पहला वीडियो दे देंगे इसका पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है जरा ध्यान से समझिएगा फिफ्थ क्वेश्चन को देखिए कह रहा है कि वॉट कैन बी द मैक्म नंबर ऑफ डिजिट्स बी द रिकरिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिट्स इन द डेसिमल एक्सपेंसर ऑफ वन बाई सेवनटीन यानी वन बाई सेवनटीन को अगर भाग करते हैं तो दशमलव जब करते हैं तो उनके अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या होगी वन बाई सेवनटीन की बात कर रहे है। पांच दो यानी कि दो नंबर लगातार रिपीट हो रहे हैं तो वही ये कहना चाहते हैं कितने कि नंबर रिपीट होंगे तो ऐसा करिए आप कि 17 से को भाग करके देखते हैं ठीक है तो 17 को से भाग करो वन को जरा डिवीजन लंबा होगा ध्यान से समझिएगा पहले तो जाएगा नहीं तो जीरो पॉइंट यहां जीरो खिलाया तब भी नहीं जाएगा तो जीरो खिलाया एक जीरो और आ गया सत्रह की टेबल पड़ी होगी सत्रह पच्चीस पचासी पांच बार गया ये एट्टी फाइव हो गया इसको माइनस किया कितना आया ये आ गया पंद्रह इसके बाद एक जीरो खिला सकते हुआ अगर एक जीरो से भी नहीं जाएगा तो यहाँ भी जीरो करना पड़ेगा अब सत्रह का पढ़ा पढ़ो तो एक सौ पचास ज्यादा ना हो सत्रह एक सौ उन्नीस सत्रह अठे एक सौ छत्तीस आठ छप्पन आठ आठ पन्न तेरा एक सौ छत्तीस इसको माइनस करो दस में छह गया चार यहां पर चार चार में ए, तीन गया एक सौ चालीस एक, एक जीरो बढ़ाया फिर आठ बार गया फिर एक सौ छत्तीस आया फिर ये चार हो गया फिर जीरो किया देखो वन से स्टार्ट हुआ था ध्यान रखिएगा पहले सत्रह से भाग किसको कर रहे थे डिवाइड वन को अगर कहीं वन आ गया रास्ते में तो फिर वही रिपीटेशन शुरू हो जाएगा हम जान जाएंगे नंबर रिपीट हो रहे हैं सत्रह की पहाड़ पढ़ो चालीस ज्यादा ना हो सत्रह दूनी चौंतीस सत्रह दूनी चौंतीस दो बार जाएगा छ साठ आप कितनी बार जाए सत्रह इक्यावन तीन बार जाएगा अब आप कहेंगे कब तक रिपीट करोगे इन्होंने कहा कि कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं तो रिपीट तो हो रहे हैं कहां तक रिपीट होगा हमको नहीं मालूम सत्रह से इक्यावन नौ आया जीरो सत्रह पच्चीस पचासी पांच बार जाएगा पचासी पांच आया जीरो ये पचास है हम इधर लिखते हैं जरा पचास यहां लिख रहे हैं हम ठीक है ये सत्रह से भाग हो रहा है ये पचास ही यहां लिख दिया हमने यानी इसी के नीचे भाग आगे बढ़ेंगे क्या होगा सत्रह इक्यावन ज्यादा हो जाएगा सत्रह चौतीस आएगा साठ हो गया सत्रह तेई इक्यावन नौ आएगा जीरो हो गया सत्रह तेई इक्यावन सत्रह चौक औसठ सत्रह पांच पचासी पांच आएगा जीरो हो गया एक मिनट सॉरी 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 ये यहां से गड़बड़ हो गया छ नहीं आएगा ये करोगे, तो यहां एक भी बचेगा ना तो ये सत्रह पांच पचासी कहां तक गए थे सत्रह पांच पचासी ये था ये आठ बार गया था ये आठ बार गया था सत्तावनी चौतीस सत्रह तई इक्यावन सत्रह पांच पचासी सत्रह दूनी चौतीस यहां तक गए थे आप जीरो आएगा सत्रह नियम एक सौ तिरपन सत्रह की पहाड़ आता होगा इसे आता नहीं होगा हम जानते हैं कितना बचेगा दस में तीन गया सात और यहां कुछ बचेगा नहीं जीरो खिलाएंगे सत्रह तेईस इक्यावन सत्रह चौकू तो अड़सठ चार बार जाएंगे अड़सठ दो बचेगा बीस सत्रह एकम सत्रह तीन बचेगा तीस सत्रह दूरी चौक ज्यादा सत्रह एकम सत्रह कितना बचेगा बारह बचेगा जीरो सत्रह सत्रह चौक अड़सठ सता सत्रह एक सौ दो सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस एक बचेगा अब जरा समझिए एक फिर बचिया यहां पर एक बच गया ना अब एक बचेगा तो यहां पहुंच जाएंगे आप फिर जीरो खिलाएंगे यार फिर यहां जीरो खिलेगा फिर जीरो आएगा फिर हंड्रेड आएगा पचासी भाग करते करते तो ये नंबर फिर रिपीट होना शुरू हो जाएंगे जीरो पांच यहां इतने नंबर रिपीट हो कितने एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह नंबर रिपीट हो रहे हैं एक बार और देख लीजिएगा एक बार डिवाइड देख लो क्योंकि बड़ा टेक्निकल डिवाइड है सत्रह जीरो आ गया सत्रह पांच पचासी पंद्रह आएगा हम जरा डिवाइड किए आठ आठ दो तीन पाँच दो नौ चार एक एक चार एक एक सात ये पांच बार गया सत्रह अट्ठे एक सौ छत्तीस सत्रह अट्ठे एक सौ छत्तीस तो चार आएगा चालीस सत्रह दूनी चौंतीस छः साठ सत्रह तेई इक्यावन इक्यावन नौ साठ नब्बे सत्रह पांच पचासी पचासी पांच पचास ये पचास वहां लिखा है सत्रह दूनी चौतीस सत्रह दूनी चौतीस ठीक है छ आएगा एक आएगा साठ सत्रह ते तेईस सत्रह सत्रह छा एक सौ दो सतासी एक सौ उन्नीस सत्रह अठे एक सौ छत्तीस सत्रह नियम नौ सौ तिरसठ नौ नौ छह पंद्रह एक सौ तिरपन आएगा ठीक है के बाद ये आएगा सत्रह चौको अड़सठ चार बार गया अड़सठ आया बीस आ गया सत्रह इक्कम सत्रह तीन बचेगा यहां से तीस हो गया फिर सत्रह एकम एक सत्रह ओ ओ ओ ओ ओ, गड़बड़ हो गया सत्रह एकम एक सत्रह यहां पर अब तुम देख भी रहे हो कि बोल नहीं सकते मजबूरी है यहां तीन बचेगा ना दस में तीन गया यहाँ एक तेरह बचेगा

आठ या आठ हम लिखे दे रहे अस्सी हो जाएगा छ हो गया सत्रह चौकू अड़सठ अड़सठ हो गया दस में आठ गया दो आप एक लाइन से लिखोगे लंबा आ जाएगा यहां पर नहीं आ रहा है तो मजबूरी हमारी है सत्रह चौकू और स, ये दो आएगा यहां पर बचेगा एक, एक सौ बीस सत्रह सत्ते एक सौ उन्नीस अब एक बचा फिर यहां पहुंच जाएंगे आप तो देखिए एक दो तीन चार पाँच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सोलह खंड में ये रिपीट होगा सिक्सटीन पार्ट्स इसके होंगे ठीक है सोलह खंड आपसे कहा गया होनी डिजिट्स तो सिक्सटीन ब्लॉक्स विल बी देर सिक्सटीन ब्लॉक्स भाई जब आप यहां इसके बाद डिवाइड करना शुरू करोगे तो फिर यहां जीरो फिर यहां नहीं जाएगा फिर यहां जीरो आएगा फिर यहां जीरो आएगा कि सत्रह पांच पचासी आएगा फिर एट्टी फाइव आएगा फिर एक सौ पंद्रह आएगा रिपीट होता चला जाएगा ठीक है तो ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन था डिवीजन लंबा है अपने आप करिएगा अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं टफ नहीं है थोड़ा सा लेंदी है और अब आप नाइन्थ क्लास में है तो कुछ तो करना पड़ेगा भाई ना जब आपके देश की आबादी एक सौ तीस करोड़ है और नौकरियां है नहीं जो है सब खत्म होती जा रही कंप्यूटर उसकी जगह लेता जा रहा है तो उसी 130 करोड़ में अगर आपको टॉप में आना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी सिंपल लुक एट सेवरल एग्जांपल्स ऑफ रेशनल नंबर्स इन फॉर्म ऑफ पी वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर्स विद नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन वन एंड हैविंग टर्मिनेटिंग डेसिमल प्रेजेंटेशन एक्सप्रेंसन कैन यू गेस रिपीटिंग वट प्रॉपर्टी क्यू मस्ट बी सेटिस्फाइड क्वेश्चन को हिंदी में समझिएगा कहते हैं आप कुछ एग्जाम्पल लीजिए P Q के, और ऐसे एग्जाम्पल लीजिए जिसमें शांत दशमलव हो यानी कि पॉइंट पूरा खत्म हो जाए ऐसा कुछ एग्जाम्पल लीजिए और फिर बताइए कि आपको इससे क्या अनुमान मिल रहा है क्यू के बारे में जरा समझिएगा अगर मैं फाइव अपॉन टू लेता हूं तो ये टू पॉइंट फाइव आता है पूरा पूरा खत्म हो जाता है अगर वन बाई सेवन लेते नहीं होगा वन बाई अच्छा अगर मैं टू बाई फाइव लेता हूं तो जीरो पॉइंट फोर डिवाइड कर देख लो पूरा पूरा कर जाएगा पांच सौ को बीस अगर मैं फाइव बाई फोर लेता हूं तो चार एक चार एक चार दुनिया आठ चार पंचायत बीस वन पॉइंट टू फाइव होगा अगर मैं टू बाई टेन लेता हूं जीरो पॉइंट टू आएगा अगर मैं फाइव बाई सिक्सटीन लेता हूं तो जीरो पॉइंट थ्री वन फाइव आएगा पूरा पूरा कट जाएगा देखिए ध्यान से क्या आपको दिख रहा है आप कहेंगे भाई फाइव बाई सेवन लेके देख लो नहीं जाएगा डिवाइड करके देख लो जीरो सात सत्य उनचास जीरो सात इक्म सात तीन जीरो सचौ अट दो जीरो सात दुनिया चौदह छः जीरो छप्पन चार जीरो बढ़ता चला जाएगा खत्म नहीं होगा ये आ, वो कह रहे हैं कि ऐसे एग्जाम्पल लो पी एपू के जिसमें ये टर्मिनेटिंग डेसिमल हो पूरा पूरा खत्म हो जाए ठीक है हमने एग्जाम्पल ले लिया बोले अब इससे आपको क्यू के बारे में क्यू बोले तो नीचे वाली चीज इसके बारे में क्या आपको जानकारी मिल रही है देखो अगर मैं इसके फैक्टर करूं गुणनखंड तो टू के टू फाइव का फाइव फोर का टू टू टेन का टू फाइव इसका टू 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 यानी कि q जो होगा उसके केवल दो और पांच फैक्टर होने चाहिए यानी इसके लिए कि क्या होगा q शुड है फैक्टर्स ओनली टू एंड फाइव यानी q के दो और पांच केवल गुणनखंड होने चाहिए गुणनखंड होने चाहिए तभी ये नंबर ऐसा आएगा कि पूरा पूरा कट जाए जैसे आप अठारह लेते हैं अठारह से भाग करते हैं अठारह दो से भी कट जाता है अठारह तीन से भी कट जाता है नहीं चलेगा अगर किसी नंबर को अठारह से डिवाइड करोगे अठारह से भाग करोगे तो पूरा का पूरा ये पॉइंट नहीं कटेगा तो अगर मैं नंबर देख के बताऊं कि बताओ कि पूरा पूरा डेसिमल खत्म होगा नहीं होगा तो आप क्या करेंगे उसका जो हर होगा उसे गुणनखंड करेंगे अगर गुणनखंड दो और पांच केवल होंगे तब तो पूरा पूरा कटेगा अदर नहीं कटेगा ये देख करके बताने की कंडीशन है ये आपका सिक्स क्वेश्चन है सेवन देखिए क्या कह रहा है ये कह रहा है राइट थ्री नंबर्स विद डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग ऐसी तीन संख्याएं लिखिए जिसमें दशमलव प्रसार अनवसानी हो अनावर्ती हो ना तो दशमलव कभी रुके ना कोई रिपीट हो कुछ भी लिख दो 2.301100101030010010000 लिखते चले जाओ जब तक पूरा साल न बीत जाए वन कुछ भी लिख दो थ्री कुछ भी लिख दो ये क्या है ना तो कोई नंबर रिपीट हो रहा है और ना ही खत्म हो रहा है वो तीन एग्जांपल दो हम ज़्यादा एग्जांपल दे सकते हैं तो लिख लेंगे आप आठवां क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है ये तो आपका सातवां क्वेश्चन था आठवां क्वेश्चन क्या कह रहा है आठवा कह रहा है कि फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर बिटवीन द रेशनल फाइव अपॉन सेवन एंड नाइन अपॉन इलेवन फाइंड द डिफरेंट इरेशनल नंबर फाइव बाई सेवन और नाइन बाई फोर के बीच में तीन अपरिमेय ज्ञात करिए जरा समझने की कोशिश करिएगा फाइव बाई सेवन परिमेय संख्या है और नाइन बाई अलेवन भी परिमेय संख्या है परिमेय है तो कहते हैं इसके बीच में तीन अपरिमेय संख्या याद करिए पहले ऐसा करो ये लगभग देखो है किसके बराबर तो मैं फाइव बाई सेवन में फाइव को सेवन से डिवाइड करता हूं तो पॉइंट जीरो सात सत्य उनचास एक जीरो सात इक्म सात तीन जीरो स चौक अट्ठाईस दो जीरो सात दूनी चौदह छः जीरो सतवट छप्पन चार जीरो ये लगभग जीरो पॉइंट सेवन वन फोर टू एट आगे जो भी नंबर आएंगे ये लिखा हुआ है सेवन वन फोर टू एट नाइन बाय अलेवन को जरा डिवाइड करके देख लो नाइन को अलेवन से डिवाइड कर दो तो पॉइंट जीरो ग्यारह अट्ठे अट्ठासी दो जीरो ग्यारह इक्म ग्यारह नौ जीरो ग्यारह अट्ठासी दो जीरो ये जीरो पॉइंट एट वन एट वन एट वन ऐसे नंबर आएगा ठीक है जरा समझिएगा ये कह रहे हैं इन दोनों के बीच में आपको दो नंबर चाहिए जो अपरिमेय हो इरेशनल हो इरेशनल क्या होता है जिसका पॉइंट जो है कभी खत्म ना हो और रिपीट भी ना हो ध्यान से टू नंबर्स टू इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर्स बिटवीन फाइव बाय सेवन एंड नाइन बाय अलेवन यानी फाइव बाय सेवन और नाइन बाय अलेवन के बीच दो अपरिमेय संख्याएं परिमेय संख्याएं चाहिए आपको जरा समझिएगा कैसे मिलेंगे सावधान देखो यानी पॉइंट सेवन ही है पॉइंट एट है नंबर पॉइंट सेवन से बड़ा हो और प्वाइंट एट से छोटा हो और पॉइंट सेवन वन है अगर मैं जीरो पॉइंट सेवन लिख दूं जरा देखिएगा सावधान सेवन लिख दूं और यहां एट है और सेवन टू लिख दू अब देखो जब सेवन टू लिखा तो ये सेवन वन से बड़ा हो गया और एट से छोटा हो गया इतना आप लिख दो फिर इसके बाद शुरू हो जाओ थ्री थ्री जीरो जीरो वन कैसी तैसी जो चाहो लिख दो बस ये है कि इससे बड़ा और इससे छोटा ठीक आगे देखो जीरो पॉइंट सेवन टू फिर लिख दो नंबर इससे बड़ा हो गया और फिर शुरू हो जाओ फोर थ्री जीरो जीरो वन जीरो वन जीरो जीरो वन जीरो 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 फिर कुछ पूछना नहीं है क्या लिखना है जो मनो वो लिखो ये नंबर हो गए आगे देखिए क्या है लास्ट क्वेश्चन नाइन्थ है नाइन्थ कह रहा क्लासिफाई द फॉलोइंग रेशनल इरेशनल कुछ नंबर दिए हैं उसको रेशनल और ए निकालना है ये आप अपने आप करेंगे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मतलब ये नंबर है ये परिमेय है या परिमेय हमने बताया था परिमेय फिर समझ लीजिएगा जिनको p अपान q के रूप में लिख सकते हैं यहाँ p और q इन टीजर्स होते हैं पूर्णांक होते हैं और ये जो नंबर होते हैं जो रूट टू है रूट थ्री है जिनका रूट ना निकल पाए या जिनका पॉइंट कभी ख़त्म ना हो ठीक है पॉइंट के बाद नंबर ख़त्म नहीं हो रहे हैं ये ए रेशनल होते हैं जैसे रूट ट्वेंटी थ्री है पहला पार्ट है रूट ट्वेंटी थ्री देखो रूट ट्वेंटी थ्री पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है भाई फोर का अंडर रूट होता है क्योंकि फोर को दो का स्क्वायर लिख सकते हैं उसका दो होता है सोलह का होता है नौ का होता है पच्चीस का होता है तेईस का नहीं होता इसको पूरा पूरा पूरा, पूरा रूट से बाहर नहीं निकल सकता तो ये नंबर कैसा है ये नंबर इरेशनल है डाल लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं इ रेशनल है यानी कि अपरिमेय है हिंदी वाले हिंदी वर्ड यूज करेंगे लेकिन इंग्लिश वर्ड दिमाग में आपके हो जाएंगे तो आपके लिए आगे फायदेमंद होगा सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है अंडरवुड दो सौ पच्चीस देखिए अंडरवुड दो सौ पच्चीस पंद्रह का वर्ग होता है तो इसकी वैल्यू क्या आगे पंद्रह प्लस माइनस हो सकती है तो पूरा पूरा रूट निकल सकता है ना नंबर तो कैसा हो जाएगा ये ये रेशनल हो जाएगा यानी कि ये परिमेय संख्या हो जाएगी नहीं होगी इसके बाद कह रहे हैं थर्ड पार्ट कह रहे हैं जीरो पॉइंट थ्री सेवन नाइन सिक्स थ्री सेवन नाइन सिक्स पूरा पूरा हट गया ना पॉइंट खत्म हो गया तो कैसा है ये ये भी परमे है रेशनल है यानी कि परमे है अगला कह रहे हैं जो फोर्थ पार्ट है वो कह रहे हैं जीरो सेवन पॉइंट फोर सेवन एट फोर सेवन एट एट फोर सेवन एट आगे खत्म नहीं हो रहा है जब खत्म नहीं होता तो क्या होता है ये ए हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा इसी प्रकार से जीरो पॉइंट वन जीरो 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 वन जीरो 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 वन ये अपरिमेय हो जाएगा लिख लेंगे डायरेक्ट तो इस प्रकार से ये आपकी चैप्टर खत्म हो गया अगली एक्सरसाइज में आपको बताया जाएगा कि कैसे नंबर लाइन पे नंबर्स को रिप्रेजेंट करता है दो ही क्वेश्चन उसमें है लेकिन वो अगली एक्सरसाइज है इसलिए तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे उसके बाद नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो ओके थैंक यू